उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। सोच समझ कर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। इस बीच मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप ने सोमवार सवेरे 11 बजे अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने उनकी समाधि पर पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने अखिलेश और मुलायम का जिक्र करते हुए उपचुनाव में जीत का दावा ठोक दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है, वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ में और परिणाम के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से कतई लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता। भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वोट मांगने जा नहीं पा रहे, कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता के बीच में आ सके। चलो, और करहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। नामांकन के दौरान सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव भी तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी उपचुनाव में करहल समेत सभी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा ठोक दिया है। पूरी तैयारी, सारी जनता जाना चाहती है तो हम तो ज्यादा बड़े पैमाने पर भीड़ के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त तरीके से लोग जाएंगे और तेज प्रताप को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में जब वोट होगा। तो अन्य सीटों के लिए सर क्या तैयारी है, जो 9 और सीटें? हर जगह तैयारी, एक सीट के लिए, एक क्षेत्र, एक जिला ही पर्याप्त होता है, हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश खाली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने अभी तक अपना कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भाजपा वालों से पूछो क्यों नहीं किया। बता दें कि करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी के खाते में रही है, ऐसे में सपा ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं करहल सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने शाक के चेहरे पर दांव खेला है। पार्टी प्रमुख ने यहां से अवनीश कुमार शाक को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर सपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी ने अभी तक इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों और विधायकों को साफ निर्देश दे दिए और खुद भी सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करने की तैयारी कर चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।